जैसे इंडिया में सब्जी मंडियाँ लगती हैं, 70 रुपए के एप्पल हैं, ये 50 के एप्पल हैं, ये 70 वाले एप्पल हैं। ये रहा बस स्टैंड, और मैं अभी मेरे को 20 मिनट दिखा रहा है यहाँ से गूगल। पर एक चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ फॉरेन में किसी भी कंट्री में गया हूँ, यूरोप में या सोवियत कंट्रीज़ में, वहाँ पैदल चलने वालों के लिए बहुत से अच्छे अच्छे रास्ते हैं और साफ़ सुथरे रास्ते बने हुए हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, चलने में कोई इतनी परहेज़ नहीं है। और जो मेरा पहला इम्प्रेशन है नोवी सैड का, वो ये है कि काफ़ी पीसफुल है। ऑनेस्टली मैं समझता था कि बेलग्रेड ही सबसे ज़्यादा पीसफुल सिटी है, लेकिन नहीं, मुझे नोवी सैड में लगा। अब तो यहाँ मैं ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि मेरा ही शोर आ रहा है हर तरफ। ऑनेस्टली लिटरली मुझे लगता है कि इतना शांत एरिया ना कि मेरा ही शोर आ रहा है बस, और कोई नहीं बोल रहा। लो जी, गूगल देवता ने गलियों में से निकालते निकालते पहुँचा ही दिया, से 3-4 मिनट का यहाँ से रास्ता दिखा रहा है और मैं अपने हॉस्टल में। मुझे लगता है मैं घूमते घूमते आ गया हूँ रेस्टोरेंट स्ट्रीट में। क्या लाजवाब, वैसे सिटी सेंटर डाउनटाउन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एरिया है। दोनों तरफ घर हैं और बीच में ऑन रोड ही रेस्टोरेंट्स बने हुए, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ से 1-2 मिनट की दूरी पर मेरा हॉस्टल है। मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरा हॉस्टल एकदम परफेक्ट जगह पे है, ये बिल्कुल सिटी सेंटर है। तो स्वागत है आपका आज एक नए दिन में, नई वीडियो में। ये मेरा हॉस्टल है पीछे, जहाँ से मैं आया हूँ, और ये हॉस्टल एकदम सिटी सेंटर के बीच में है, जिसको कि यहाँ लिबर्टी स्क्वायर कहा जाता है। नोवी सैड में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ। पहला जो इम्प्रेशन था, नोवी सैड को बहुत खूबसूरत है। ये है मेरे सामने रिपब्लिक स्क्वायर। एक तो ये चर्च बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है, और एक दूसरी तरफ यहाँ एक स्टैचू बना हुआ है बीच में, जो कि नोवी सैड के मेयर थे, यहाँ के उन मेयर का स्टैचू है ये वाला। ये जो चर्च है इसको कहते हैं कि सेंट मैरी चर्च, ये वाली। एक बात और बताऊं कि यहाँ फ्री इंटरनेट है पूरे इस एरिया में, शायद सिटी सेंटर होने की वजह से है या इस पूरे एरिया में, मुझे पता नहीं। मैं लेकिन उस पर अभी गया था, वो आखिर तक 1 किलोमीटर आगे चल के वहाँ तक भी फ्री इंटरनेट था। और मेरा हॉस्टल इसी बिल्डिंग के पीछे है, ये जो बिल्डिंग देख रहे हो, तो मतलब नीचे 2 मिनट में, मतलब मैं यहाँ पहुँचने में लगे मेरे को 1-2 मिनट। और उस तरफ दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, ये रोड भी सीधी इस तरफ मैं आपको लेकर जाता हूँ, अभी ये रेस्टोरेंट से भरी है, सब ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ। घूमते पता लगा है कि यहाँ कोई एक मार्केट है, लोकल्स मार्केट है। वैसे तो जैसे हम सामान लेते हैं यहाँ ना नोवी सैड में, मैक्सी स्टोर है और आइडिया है, वहाँ से हम जाके शॉप करते हैं। जैसे बिग बाज़ार है ना इंडिया में, ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ। मैं कुछ कुछ चीज़ों के रेट बताता हूँ, जैसे ना यहाँ बनानास हैं 150 दिनार प्रति केजी, ठीक है, आप इसको इंडियन रुपये में कन्वर्ट कर लेना खुद ही। तो एप्पल हैं, एप्पल सस्ते हैं, 50 दिनार प्रति किलो, और टमाटर बहुत महंगे हैं, टमाटर 170
दिनार एक किलो के। और ये है मतलब रोड साइड स्टॉल्स हैं ये, जैसे मार्केट लगी हुई है ये बिल्कुल वही है जैसे इंडिया में सब्ज़ी मंडियाँ लगती हैं। 70 रुपए के एप्पल हैं ये, 50 के एप्पल हैं ये, 70 वाले एप्पल हैं। यहाँ शेविंग का सामान पड़ा हुआ है सारा, और लॉक्स पड़े हुए हैं, ताले हैं, सेल हैं। चलो ये एक अच्छी लोकेशन पता लग गई। एकदम ये पड़ता है कौन सी जगह, लिबर्टी स्क्वायर के साथ ही है ये, थोड़ा सा चलने पर ये मार्केट। मैं तो शॉपिंग बहुत कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से सुपरमार्केट से, तो मेरे को तो खैर यहाँ के लगभग रेट पता ही हैं। ये है अपना गार्लिक 30 दिनार, टमाटर 140 रुपये, एप्पल 70, गाजर 80, आलू भी, आलू 80 दिनार, सब किलो हैं प्रति किलो। अच्छा ये जो ग्रीन बेल पेपर है ना, इसको यहाँ हरी मिर्च के नाम पर यूज़ करते हैं। अगर आपने सब्ज़ी में हरी मिर्च डालनी है तो आप ग्रीन पेपर यूज़ करो। आज मूली देखी यहाँ पड़ी हुई है। मैंने यहाँ से ये एक पिज़्ज़ा करवाया है, ये वाला एक्चुअली ये स्लाइस है जो यहाँ बड़े बड़े स्लाइस मिलते हैं, तो ये मेरे को पड़ा 130 दिनार का, 130 दिनार। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? बुरेक, बुरेक पिज़्ज़ा, वी हैव हैम एंड चीज़। इज इट चीज़ ओनली? इज इट वेजिटेरियन? वेजिटेबल्स? वेजिटेरियन? नो, यू हैम विद हैम एंड पिज़्ज़ा? नो, ओनली वेजिटेबल, ओनली। I'm so sorry. I have warm burek with potato. Yes, which one? I bake now. Okay, potato? Yeah. How much? 100. Okay. पिज़्ज़ा मैं नहीं ले रहा क्योंकि उसमें अभी पता लगा कि हैम था, कोई नॉन वेज, मतलब हर चीज़ में ये दिक्कत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्बिया में मुझे अब तक का थोड़ा सा मुश्किल लगा खाने पीने का हिसाब, खासकर से वेजिटेरियंस के लिए। अच्छा भला ये पिज़्ज़ा ले रहा था 130 का, लेकिन अब इन्होंने मेरे को कोई बेक आइटम दी है कोई, उसमें इन्होंने कहा है कि सिर्फ आलू डले हुए हैं। इट्स ऑल पोटैटोस? ओनली पोटैटो। आई एम सो सॉरी, I am sorry for this. It's okay. Mom. Thank you so much. Just a minute. Thank you. Kuala. तो ये एक आइटम लिया मैंने इसमें से, क्या बोलूँ मतलब हर चीज़ रोल बैक हो रही है यार। वो अच्छा वाला पिज़्ज़ा दिख रहा था, खाने का मन किया, पता लगा कि वो पिज़्ज़ा में हैम है, मतलब मैंने लेने के बाद, एक्चुअली मेरी गलती थी तो मैंने पहले नहीं पूछा, तो मैंने कहा कोई नॉन वेज तो नहीं है, कहते इसमें हैम है, टर्की हैम, तो इतना तो पता है कि टर्की हैम एक नॉन वेज चीज़ होती है। खैर फिर उसके बाद मैंने ये लिया। अब एक ये भी शॉप है, चलो खाने पीने की कुछ चीज़ ले ली है। एक मैंने चीज़ यहाँ सर्बिया में ज़रूर देखी है यार, हालांकि मैं अभी सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं भी चलते जुलते कुछ खाने की चीज़ दिखे ना, पैक करवा लो उसको बस, चाहे तब भूख नहीं भी लगी हो, बाद में लगेगी एक दो घंटे के बाद, आपको तब खाने में बड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि इतनी आसानी से वेजिटेरियंस के लिए यहाँ कुछ मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल हो सकती है जब भूख लगी और आपको कुछ ना मिले, तो इसलिए मैंने ले लिया, एक दो घंटे के बाद आराम से इसको खाऊंगा। और एक बात और बता दूँ, जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ कल दोपहर को आया था 3 बजे, हॉस्टल लाजवाब है, बेहतरीन। जो हॉस्टल की ओनर है वो एक नंबर की, नंबर वन हेल्पफुल लेडी हैं, बड़ी अच्छी लेडी हैं, और मतलब मदद बहुत कर रही हैं उन्होंने। वहाँ कंप्यूटर लगा लिया है और हमको एक एक चीज़ बताते हैं, वो इस जगह जाओ, इस जगह जाओ, यहाँ के
इतने आपको चार्ज लगेगा जाने में बस में, यहाँ से ट्रेन में इतना लगेगा, बहुत हेल्प कर रही हैं। लेकिन एक दिक्कत वहाँ ये है कि उनके हॉस्टल में जो कुकिंग गैस होता है ना, वो टूट गया। एक्चुअली कुछ दिन पहले कुछ गेस्ट आए थे, उनसे टूट गया और हॉस्टल में कुकिंग नहीं कर पा रहा मैं कल शाम से, तो इसलिए मुझे बाहर ही कुछ अपना अरेंजमेंट करना पड़ रहा है, नहीं तो हॉस्टल में तो कई तरह की चीज़ें बन जाती हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने जो खाया था वो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पिक्चर में। ये सिर्फ एक सैलेड है जो मैं बाहर से कुछ लेकर आया था, एप्पल, बनानास, टमाटो, उसका एक सैलेड बना लिया था मैंने और ये खाया। खैर, ये मुझे जो पोटैटो का ये पड़ा है, ये है सिर्फ 100 का, 100 दिनार का।